आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तारीखी आईनी और कानूनी फैसला है, इंसाफ की जीत हुई है, सुप्रीम कोर्ट के इज्जत में मजीद इजाफा हुआ है और वो लोग जो जजेस को चौकों में लटकाने और उनके घरों में आग लगाने की बात कर रहे थे उनको जिल्लत और रुसवाई हुई है। इमरान खान ने वाज़े तौर पर इस पुरतशद्दद वाक़यात की और इमलाक को नुकसान पहुंचाने की मजम्मत की है और मैं ये समझता हूं कि कल जो उन्होंने सलामती कौंसिल का अजलास बुलाया है उनकी आंखें खुल जाएंगी कि मुल्क बदल गया है, हालात बदल गए हैं, ये इदारे हमारे इदारे हैं, ये अजीम फौज है और ये शहादती मुजाहिद और गाजियों की फौज है, कभी अवाम पे गोलियां नहीं चलाएंगी और कभी चोरों डाकुओं और गंदे और परागंदे माहौल के साथ खड़ी नहीं होंगी। पाकिस्तान की आज फतह हुई है और इमरान खान की आज जीत हुई है, 13 पार्टियां जीरो हुई हैं, इमरान खान हीरो हुआ है और आवाम से अपील है कि वो पुरमन रहें और इस मुल्क ने इलेक्शन की तरफ जाना है, इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होके रहेंगे। अगर 245 के तहत 4-3 सूबों में फौज बुलाई जा सकती है तो यही फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो इलेक्शन कराने में भी मददगार साबित होंगी। ये इन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और हुकूमत नाअहल नालायक आज जो कदम एक साल में इन्होंने उठाया है ये उनके गले पड़ा है, उनको रुसवाई मिली है। आवाम जीत गए, इंसाफ जीत गया, अदलिया जीत गई और सारी कौम अदलिया के पीछे खड़ी है और अदलिया के मुनसफाना फैसलों को सलाम पेश करती है और इंशाअल्लाह इंसाफ की फतेह होगी।